नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्यमंत्री घसियारी योजना कार्यक्रम में बीजेपी की अंतर कलह सबके सामने आ गई है। इस दौरान लोगों पर धौंस जमाते नजर आने वाले चैंपियन को ही मंच से हटा दिया गया। वहीं कार्यक्रम में शाह के मंच पर जगह न मिलने से नाराज हरिद्वार की खानपुर विधानसभा से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन गुस्से में ही मंच से नीचे उतर गए और सीधे कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान खानपुर विधायक कुंवर प्रणव को मंच पर जगह नहीं मिलने से एक बार फिर से भाजपाइयों के बीच की अंतर कलह सामने आई है। दरअसल हुआ यूं कि कार्यक्रम के दौरान उन्हें मंच से हटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम से ही गायब होने में भलाई समझी। हालांकि इस बीच चैंपियन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, लेकिन इस बात से ये बात तो साफ हो गई कि भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन गृह मंत्री मुख्यमंत्री घसियारी योजना का शुभारंभ करने देहरादून पहुंचे थे। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के सभी मंत्री विधायक मौजूद थे, लेकिन खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की राजशाही उस समय धराशाही हो गई जब बड़े अरमानों से वो मंच पर तो पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें तत्काल हटा दिया गया, जिसके बाद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन गुस्से से मंच से नीचे उतरे और सीधे अपने घर की ओर निकल गए। इस दौरान कार्यक्रम में विधायकों के लिए बैठने की अलग जगह बनाई गई थी, लेकिन चैंपियन को ये नागवार गुजरा और बिना कुछ कहे वो वहां से निकल गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चैंपियन ने पार्टी पर अपना गुस्सा उतारा हो। इससे पहले ही एक दिन वो चैंपियन गुर्जर महासभा के जरिए खुद के लिए मंत्री पद की मांग कर चुके हैं। वही गुर्जर महासभा ने तो सीधे तौर पर बीजेपी को चेतावनी दे दी कि अगर चैंपियन को मंत्री नहीं बनाया गया तो 2022 के चुनाव में उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि इस अंतर कलह में कौन गेहूं के साथ घुन बनकर पिसेगा और कौन चोखा रह पाएगा। लेकिन इस अंतर कलह के चलते लोगों के बीच पार्टी की एकता पर बड़े सवाल खड़े हो गए। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।